हाथरस कांड ने योगी सरकार की मुश्किलें पहले से ही बढ़ा रखी थी कि अब हाथरस के डीएम की एक वायरल वीडियो ने भी विपक्ष को योगी सरकार पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कराने की वजह से हाथरस पुलिस प्रशासन पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है कि इसी बीच हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डीएम प्रवीण कुमार पीड़िता के परिवार से जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उसे देखकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि डीएम पीड़ित परिवार को इशारों ही इशारों में धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे निकल जाएंगे तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाएंगे। इस वायरल वीडियो में डीएम प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार से कह रहे हैं कि आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए, मीडिया वाले चले जाएंगे, हम ही आपके साथ खड़े हैं, अब आपकी इच्छा है, आपको बार बार बयान बदलना है या नहीं बदलना है, कहीं हम भी न बदल जाएं। हाथरस के डीएम इससे पहले भी विवादों में आ चुके हैं। 29 सितंबर को जिस दिन पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ा था, उसी दिन डीएम प्रवीण कुमार ने पीड़िता के परिवार को दी गई मुआवजे की रकम का हिसाब दिया था। डीएम ने ट्वीट किया था कि चंदपा थाना वाले प्रकरण में पीड़िता के परिजनों को पूर्व में 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी, आज 5,87,500 रुपए की सहायता और दी जा रही है, इस प्रकार कुल 10,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। डीएम के इस ट्वीट को लोगों ने संवेदनहीन करार दिया था। मीना कोतवाल नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा था, भीख नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, सरकार बताए कितना पैसा चाहिए दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने के लिए, हम बहुजन एक एक रुपया तक चंदा कर आप तक और सरकार तक पहुंचा देंगे, लेकिन जल्द से जल्द इन जानवरों को फांसी पर लटकाओ, 10,00,000 नहीं 10,00,00,000 देंगे, लेकिन डेट बताओ कि फांसी कब होगी। हाथरस प्रशासन पर पीड़िता के परिवार के बिना ही अंतिम संस्कार करने के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि इस पर डीएम ने सफाई देते हुए कहा है, रात को करीब 12:45 पर पीड़िता का शव लाया गया, मेरी पीड़िता के पिता और भाई से बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। करीब 1 से 1.25 घंटे शव वाहन इनके घर पर खड़ा रहा और अंतिम संस्कार के दौरान परिजन वहां पर उपस्थित थे। डीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि करीब 3 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली इस 3 सदस्यीय कमेटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस अधिकारी पूनम को सदस्य बनाया गया है। सीएम ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाते हुए टीम को घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं।